राम राम, नमस्ते जैन साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे। मैम चौबीसी क्षेत्र के गांव खरकड़ा से, और खरकड़ा गांव में पहुंचे हैं बलराज सिंह कुंडू महम के विधायक, जिन्होंने जोर शोर और पुरजोर तरीके से इस गर्मी के मौसम में अपना चुनावी अभियान शुरू कर रखा। पिछले 3-4 दिन से लगातार गाँव गाँव घर घर जा रहे हैं और अपने द्वारा किए हुए कार्यों की उपलब्धियाँ लगातार बता रहे हैं, और कारवा लगातार इनके पीछे जुड़ता चला जा रहा है। कुंडू जी हमारे साथ है, बलराज कुंडू जी, वो आसमान से कह दो कि हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर ले, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान को लेकर लगातार जो जुटे हुए हैं? देखिए, आज मैं इतना खुश हूँ, एक मैं बहुत दिन से मेरे मन में एक टीस थी, इस गाँव से मेरी आत्मिकता का रिश्ता है, मेरा बहुत गहरा, मेरे कॉलेज टाइम के साथी हैं, मेरा जो है ना लावतों का भांजा होने के नाते भी आत्मिकता का रिश्ता है, लेकिन इस गांव के प्रतिनिधि होने के नाते वो मैं भाईचारा इनका बिल्कुल उसकी मैं तारीफ भी करता हूं, लेकिन 20 साल देखने के बाद अब जो मन लोगों का कब तक वो देंगे। और आज जिस प्रकार से डॉक्टर साहब एक्स सरपंच प्रतिनिधि के बड़े भाई लेना सिंह जी, उनके पूरे परिवार ने आज जो मुझे आशीर्वाद देकर मेरी जो ताकत बढ़ाई है, निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत इस महम से विजयी होने में नहीं रोक सकती। सारा परिवार है तो बिल्कुल, डॉक्टर साहब पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ महम चौबीस क्षेत्र के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। ये न्योता का परिवार बोला जाता है, सबसे मजबूत परिवार इस गाँव का है। आज उस पूरे परिवार ने मुझे आशीर्वाद दे गए, डॉक्टर साहब दादा सवाई की ढोंग ने, पूरी ढूंग ने, जो एक मजबूत मेरे मामा की एक ताकत होती थी इनके, उसमें ही जो सारा आगे सिस्टम चलता था, आज इन्होंने देखे, आज एक मेरी बहुत बड़ी ताकत बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आज मैं अपने आप को बहुत ही एक इतनी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ कि अब जो मेरे को लोग कहते थे कि अब की बार खरकड़ा गाँव डांगी की तरफ ज़्यादा झुकाव करेगा, आज उस बात का इस गाँव ने मुझे आशीर्वाद दे के प्रमाणित कर दिया कि अब की बार ये खरखड़ा गांव जिस प्रकार से मेरे मामे को एक तरफा देता था, अब की बार एक तरफा मुझे आशीर्वाद और प्यार देकर एक विजयी बनाने का काम करेगा। तो दर्शक साथियों, चुनाव की शुरुआत में ही विपक्षी राजनीतिक दलों के जो भी कैंडिडेट अभी तक तो फाइनल भी नहीं है, उनके फिल्टर पाड़ने का काम कर दिया। गर्मी का मौसम है भाई साहब, क्यों कर झेल पाओगे? ये तो ये हौसले जो है ना, ये सारे ये उस प्यार और सच्चाई के रास्ते की ईमानदार से जो मैं अपना काम कर रहा हूँ उसके प्रति लोगों का जो है ना ये प्यार और आशीर्वाद है। मैंने पूरी ईमानदारी से जो ड्यूटी और जो विश्वास और भरोसा इस महम के लोगों ने मुझ पर किया था, उस दायित्व को जिस प्रकार से मैंने निभाने का काम किया है, और एक सेवक बनकर, एक बेटा और भाई बनकर जिस प्रकार से मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में रहा हूँ, उसका प्यार और उसका ये नतीजा आज आपके सामने है। जिस प्रकार से गाँव खरकड़ा के लोगों ने आपको सिर आँखों पर बैठा लिया है, भविष्य में आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें रहेंगी, क्या खरिया उतर पाएंगे? 100% नहीं, 200% उस पर खरा उतरने का काम करो। चलो, हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी रहे हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, जगबीर सिंह जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आज इतना बड़ा आशीर्वाद विधायक बलराज कुंडू को दे दिया? नहीं, मैं कामों के बारे में तो बीजेपी देख रहे हो सब क्या काम कर रही है, किसानों का बुरा कर दिया, मजदूरी नहीं रही, कोई सरकारी नौकरी नहीं, तो उससे दुखी होगी प्रजा। 1.5 साल तक किसान वहाँ बैठे रहे टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ नहीं घुसने दिया पंजाब के किसानों को, वहाँ क्यों रोके? वहीं रोक लेते, हरियाणा गवर्नमेंट थी पंजाब बॉर्डर पे। अब डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फिलहाल में तो लहर चल रही है कांग्रेस की, लेकिन आप विधायक जी के साथ जुड़ गए, ये तो अलग काम कर दिया। वो सारा सब किस्मत का खेल होता है, विधायक जी तो इतना उदम रखे हैं, अगर सरकार इनकी ना भी बनी तो भी अपने पास से इनकी होता इतना। चलो, हमारे साथ में बुजुर्ग है, राम राम तो। राम राम भाई। के नाम तो? नरेश। तो के कहना चाहोगे विधायक जी से जुड़े हो, क्या खासियत देखी? विधायक तो मिले हाँ, इन्हें देखांगे, बरतांगे, सुना हाँ, उस हिसाब से फिर आगे आगे बतावांगे। ये भी सरकार की सुन लेनू, 3 महीने ना नदी आए आई ना लिए थम दिए नहीं, डबो दिए खेत, और इस तो बड़ी दे के बताऊं। उम्मीद करो भविष्य में जैसे एक दिन और ट्यूबवेल ताल गए ना, तो ये खरकड़म पीने का पानी नहीं है, ट्यूबवेल बंद कर दिया हमने। अच्छा। मारा 4 ट्यूबवेल हमारा खेत में, हमने बंद कर दिया, वहाँ पीने का पानी नहीं रहेगा,
पलटी तो नहीं मार जाओगे? पलटी तो नहीं मार जाओगे? हाँ मैं तू मेरे वो मान रहा है वो बिहार वाला नीतीश कुमार है। राम 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 आंटी। नमस्ते जी। जो ये परिवर्तन ना नुकार पर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। खरकड़ा गांव सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। भाई बलराज कुंडू सच्चाई ईमानदारी का दूसरा नाम है। और यहाँ खरकड़ा गांव से जो भी मातृशक्ति है और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग है, जब इन्होंने इनके सिर पर पगड़ी बांधी तो अपने साथ इनके साथ होने का वादा किया, तो हम बदलेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। आज कितने आदमी शामिल हो गए जो आप आशीर्वाद दिया विधायक जी को? यहाँ कम से कम भी 300-350 मानस होंगे, औरतें भी और मर्द भी। वादा कर दिया बलराज, वादा कर दिया पूरा। एक मिनट आज तो बटांग देंगे इसी काम में। हाँ के लिए बुला था, ये तो अपना प्रेम मारे इनका नाम सुन के भाई बचड़ा लिया। मैं इतने आदमी आशीर्वाद देने जा रहे हैं, आज हम इकला रात दम एक तरफी हो जगह खरीद लिया देख ली। एक तरफी दुकर शमशेर के गेल रहा था ना बलराज के गेल, एक दिन वो 25000 बाज जता देंगे कम सारांगा ला दे 25000 बाज जत फिर उस समाज वाले दे रहे ने इस भाई ने। तो दर्शक साथियों जोश और जुनून देख रहे होंगे, जिन्होंने बलराज कुंडू विधायक जी को अपना आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद गांव खरकड़ा में दिया है। अब आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा वो तो आप भविष्य ही देख सकते हैं। आने वाला समय किसका होगा वो भी भविष्य आप देख सकते हैं। तो दर्शक साथियों जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।